रेडू बोलते हैं इसको हम, खरेडू। Hey guys, this is me, your friend Deepak. I am coming back to the another vlog. तो कैसे हो आप सभी लोग, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे व्लॉग पर, न्यू व्लॉग पर। तो अभी शाम के बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं एंड मैं बस पशु के लिए खेतों से जौ ले जाने आया हूँ। तो यहाँ पे हमने खेतों में सारे में जौ लगाया हुआ है, तो उसे ले जाने आया हूँ। एंड मेरे साथ काकू भी साथ में चल पड़ा है नीचे जौ के लिए। तो चलिए दिखाते हैं हमारे ये छोटे छोटे खेत हैं, इनमें हमने सारे में जौ लगाया था। बाकी हरियाली तो आप देख ही सकते हैं, क्या मस्त हरियाली है चारों तरफ। और जितने भी चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो एंड सपोर्ट करो मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये है जौ, अभी यहाँ 2-3 खेतों में अब रहा है यहाँ जौ हमारे, बाकी ऊपर लगाया हुआ है। ये ऊपर तक देख सकते हो क्या हरियाली ही हरियाली है। ये काकू जी हमारे इधर जौ पे करते हैं। कैसे हो काकू जी? कौन है तू? तो ये जो जौ है ये बस जैसे इसको थोड़ा भी खींच लो ये ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि नरम मिट्टी होती है नीचे की, ये देख सकते हैं। बाकी इसके लिए कुछ हमें खोदने के लिए कुछ लाना नहीं पड़ता, क्योंकि इस जौ की मिट्टी बहुत ही, ये देखो ये कैसे निकल रही है। तो और मिट्टी इसकी झाड़नी पड़ती है हमें, मिट्टी झाड़नी पड़ती है हमें ऐसे, तो इसकी जो मिट्टी सारी की सारी झड़ जाती है। ये देखिए हम काकू के साथ दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं काकू जी हमारे काम इधर पे। ये ऐसे झाड़ते हैं इस जौ को पार, जैसे धोबी पे झाड़ नहीं देते वैसे झाड़ना है हमने पार। चलिए काकू जी एक बार और जरा ये देखिए ये, और ये यहाँ पे रखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा का पूरा जौ हमने ये सारा ले जाना है अभी ऊपर। तो ये देख सकते हैं सारा का सारा जौ हम पट देंगे। ये देखो मिट्टी मिट्टी इसमें होती है, तो इसको ऐसे झाड़ देना पड़ता है। पशुओं के लिए ले जा रहे हैं तो पशुओं को हम मिट्टी तो खिला नहीं सकते, इसलिए सारी की सारी मिट्टी हमें हटानी पड़ती है। ये देख सकते हैं है वो टन 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 टन, यहाँ स्पीड में फटाफट। तो अब काकू हमारे चले गए हैं जौ के लिए एंड मैं व्लॉग शूट और वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड काकू को देखते हैं अब कितने स्पीड में करेगा ये। बाकी जो ये देख सकते हैं इसमें अब ये दाने दाने उग गए हैं, ये बाद में सूख के इसका बीज भी बनता है और इसका आटा बनता है। और ये काकू जी मिट्टी झाड़ते हुए, काली काली मिट्टी है ये खेतों में। तो मौसम देख सकते हैं बिल्कुल साफ है हमारे, आजकल 2-3 दिनों से मौसम एकदम ख़राब भी हो रहा है, तो अभी तो शाम को बिल्कुल साफ है मौसम। तो ये देखिए हमने ये सारा का सारा जो हमने इधर इकट्ठा कर दिया है, तो बस अब यहाँ पे ख़त्म हो गया एंड अब हमारे ये 2 खेत रहे यहाँ पे जौ के। तो चलिए चलते हैं इनको लेके अब एंड वी आर गोइंग एट द होम। तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर। कल मैं स्कूल क्या एटीट्यूड वाली वीडियो बोल रहा है बनाने को, तो बनाएंगे हम इसके साथ, एटीट्यूड तो उतना ही है लेकिन बनाएंगे हम फिर भी रील्स थोड़ी बहुत। एक खेत हमारा ये भी है इसमें जो अभी बहुत ज्यादा है। गया
ये आड़ू भी अब देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं अब ये आड़ू। हाँ हाय खूब, ये देखिए ये पापा भी अभी भी बना रहे थे, खरेड़ू बोलते हैं इसको हम, खरेड़ू। दिस इज अ खरेड़ू, इससे सराउच सोड़ते हैं, जो चीली होती है उससे जो गिरता है उसे सोड़ते हैं, मतलब सोड़ते मतलब साफ करते हैं पूरे के पूरे जो हमारी ये जमीन बोलते हैं उससे, ताकि उसमें जो भी घास जो भी घास उगता है जब बाद में हम काटते हैं उसको, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए ये खरेड़ू है एंड इन खरेड़ू से उन्हें साफ करते हैं। तो ये खरीद के भी लाए जाते हैं एंड बना भी लेते हैं हम जैसे, तो ये देखिए जो मैं भी बात कर रहा था खरेड़ू बनाने की, कैसे बनाते हैं पुराने ज़माने की तकनीक अभी तक अपनाई जा रही है। ये देखिए गरम किया है, ये एक लोहे की धातु है जो बहुत पहनी होती है, जिसकी क्या काम कर अपना ये क्यों फेंका, वो भी शाम के 7:30 बज चुके हैं, डिनर भी हमारा अब रेडी हो रहा है और साथ में बना रहे हैं हम चटनी। ये देखिए ये ओखली होती है और इसमें बना रहे हैं चटनी, ये अभी इसमें पांग पिसी जा रही है और साथ में यहाँ पे हमने थोड़ा जो पुदीना होता है एंड ऑल ओवर जितनी भी सामग्री होती है वो हमने डाल दी इसमें। बाकी ये देखिए जो ये कुंडी है ना, जो इस कुंडी में पिसा जाता है ना वो प्योर मतलब बहुत अच्छा स्वाद आता है, जो मिक्सी में पीस के चटनी बनाएगी और उसका इस ओखली में पीसेगी तो देख लेना दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर आता है, स्वाद में बहुत ही डिफरेंट रहता है स्वाद दोनों में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट, इसलिए हम इसमें बनाना प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा स्वाद भी आता है और मिक्सी वाले में ज़्यादा वो बिल्कुल ही पतला हो जाता है उसमें एंड, लेकिन इसमें बहुत अच्छा रहता है एंड चटनी बहुत अच्छी बनती है। अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं, बाकी बाहर तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, बाकी चंदा मामा जी हमारे पार देख सकते हैं आप आ चुके हैं, वैसे बुद्ध पूर्णिमा भी है आज, एक्सरसाइज या गाने लगे हुए हैं, बाकी एक्सरसाइज कर रहे हैं अंदर मेरा भाई, मैं भी जा रहा हूँ थोड़ी देर में एक्सरसाइज करने, रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इस ब्लॉग में तो बस इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब या जरूर कर दीजिए करिए, अगर आपको रिलीजियस ब्लॉग पसंद है या आप हिमाचल के थोड़े बहुत ब्लॉग देखना चाहते हैं मेरे द्वारा, हिमाचल के क्या मेरे गाँव के देखना चाहते हैं, आप जहाँ पर भी मैं थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करता हूँ आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।